Admission for BMS, BBA, bcn and BBM might delay for. टू मंथ गर्ड इट राइट बिकॉज कल जब ये न्यूज आई थी कि एडिशनल सीई टी कंफर्म हो गया है बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके साथ साथ एक और न्यूज आई है की रिजल्ट आने में दो महीने का डिले हो सकता है बिकॉज पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इट विल टेक वन एंड हाफ टू टू मंथ और इसके चलते क्या बच्चों को बैकअप एडमिशन ले लेना चाहिए एंड दिस इज सो अनफेयर फॉर द स्टूडेंट हैगल्ड एंड गिव इन दिस एग्जाम गिस एक्सप्लेन किया अब तक ये न्यूज क्या है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप सी टी सेल से ऑल्सो आपके रिजल्ट डिले होंगे तो वॉट आर द अल्टरनेटिव ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टेल हाय गाइस वेलकम बैक टू मीडिया मेंटर नाउ टॉकिंग अबाउट द एडिशनल एग्जाम विच इज कन्फर्म बाय द सीई टी सेल जो आप ये ऑफिशियल नोटिस देख रहे हो जो कि कल सीई टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई थी कि बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने सी टी सेल को अप्रोच किया प्लीड किया कि उनका एग्जाम जो है वो मिस हो गया है एंड दे विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द कोर्स दैट दे वॉन्ट टू एंड जैसे कि आप लोग जानते हो फिफ्टी सेवन थाउजेंड एप्लीकेशन ही गए हैं विच इज अ फैक्ट कि ज्यादा बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए थे सीई टी के लिए बट वॉट अबाउट दो फिफ्टी सेवन जिन्होंने स्ट्रगल करके तीन सौ किलोमीटर करके दो महीने प्रिपेयर करके एग्जाम दिया

एग्जाम सेंटर अभी मिलना मुश्किल है बिकॉज कॉलेजेस रीओपन हो रहे हैं और जैसे कि आप जानते हो बहुत बच्चों ने बीकॉम बैफ इस तरीके के कोर्सेज में बैकअप लिया था उनके कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं जैसे मिट्टी बाई ओपन हो रहा है ट्वेंटी फिफ्थ से अदर कॉलेजेस विल स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ ऑफ जुलाई अब अगर बच्चों ने बैकअप एडमिशन लिया है जो भी कोर्स में उन्होंने लिया है उसकी फीस का तो एक बड़ा लॉस होगा तो क्या सीई को यह कंसिडर नहीं करना चाहिए कि जो बच्चों ने एग्जाम दे दिया है उनका वो एडमिशन कर दे कॉलेज शुरू हो जाने

सम कॉलेजेस दैर आर ऑफरिंग बी.कॉम मैनेजमेंट स्टडीज या फिर रेगुलर बी.कॉम या बैफ जिनके भी पास सीटें हैं आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बैकअप एडमिशन लेना चाहो तो ले के रख लो रही बात बी का या सी सेल क्या अनाउंस करने वाला है कोई आइडिया नहीं है द रीजन इज दिस इज अ कंप्लीट मेस आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू द अथॉरिटीज टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस होल थिंग कितनी सीटें होंगी किस तरीके से एडमिशन का पूरा प्रोसेस होने वाला है बिकॉज इट इज नॉट ओनली मुंबई इट इज अबाउट द होल महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट फ्रॉम सेवनटींथ ऑनवर्ड्स अगर ये डिसीजन लेना भी था तो पहले ले लेते एटलीस्ट बच्चे उम्मीद पर तो नहीं बैठते कि यार रिजल्ट सेवनटींथ को आने वाला है दैट बिकम्स रियली रियली अनफेयर अनऑर्गेनाइज अनस्ट्रक्चर्ड approach approach

देना चाहिए दिस मंथ एंड तक उनका एडमिशन शुरू हो जाना चाहिए और दूसरा चीज जो है जिन बच्चों ने नहीं दिया है कॉलेजेस अपना कुछ इंटरनल एग्जाम करा के उन्हें एडमिशन दे 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 सीट्स हैव बिकॉज कंडक्टिंग एडिशनल सीटी पूरा प्रोसेस करना और जो बच्चों ने दिया है उनके लिए ये चीजें पूरी अनफेयर दिखाई दे रही है ओनली रीज़न कि ना की मैं पर्सनली कुछ बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने बैकअप ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि उनका सीटी अच्छा गया था दिस इज़ अनफेयर गए सो प्लीज लेट इज नो बट यू फील ऑल्सो फ्रॉम आर एंड वी आर ट्राइंग टू अप्रोच टू दी टी सेल आई सून शेयर द ई मेल आई डी ऑल्सो जहां पे आप अपने ग्रीवियंस रेस कर सकते हो एंड लेट सी वॉट हैपन फ्रॉम आर एंड वी विल ट्राई टू सपोर्ट एज मच एज वी कैन बिकॉज आई पर्सनली फील दिस इज रियली Unfair to the students. Also, guys, if you're confused and stuck in decision making and you want to get in touch with me personally for one on one counseling session, you can get in touch with me on this WhatsApp number. My team will get back to you with all the details. I hope, guys, the video was informative. Don't forget to like, share, and subscribe with all your friends so that we reach out to the maximum students and try to find a solution for this.